फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी ओर से सुसहाय। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक है। हमारे घर के सब भी ठीक है। और आज डेट है 26 नवंबर और अभी टाइम हुआ है 9:55। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बनाऊंगी और आज दिखाऊंगी आप सबको शेयर करूंगी कि आज का दिन में मैं क्या क्या की। आज लेट से ही उठी और फिर नाश्ता बनाई और पानी सब भर रही थी बाहर और अभी धान सुखा रहे थे और उसके बाद खेत से और भी धान लाना है। मैं तो काटने का टाइम नहीं थी, मेरी दीदी के यहाँ थी तो आज लाएंगे। वहाँ का धान सब ढोना पड़ेगा। सबको ही है साथ में, माँ पापा मैं और मेरा भाई। बाबा तो बाजार जा रहे हैं तो मैं और भाई और शायद कोई के हेल्प करेंगे तो सबके साथ में बोएंगे सोच रहे हैं। इनका हालत पूरा ख़राब है। अभी जो बना रही थी ना छिलका रोटी तो इधर छीटा सब गिर गया है। नहीं, साफ़ की हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ फिर साफ़ कर दूँगी। बाहर बैठ के खाएंगे। तो मेरे पास है रात का रोटी, फिर छिलका रोटी और केला भजा और चटनी। मैं नाश्ते में रोटी खा रही हूँ और विटामिन डी भी खा रही हूँ धूप के सामने बैठ के। मैं तो थक गई। वहाँ पर सुखाया गया था वो धान, सबको प्लास्टिक के ऊपर रख दिए। अभी बोरा में साज देना है इसको, बोरा में साज के उसको स्टोर कर रखना पड़ता है। उस बार जो मैं लाई थी पौधा, सब फूल का पौधा, वो सब ना बड़ा बड़ा हो गया। बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। फूल होने तक, मतलब फूल होगा उतना तक नहीं हुआ है, बस जिंदा है और कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर फूल फटेगा, फूल खिलेगा। कैसे दिख रही हूँ मैं? नीचे का जो डस्ट सब था ना उसको निकाल रहे हैं। वो तो जामू जामू का अतरा गिर जा रहा, तले मोर दुकान हो जाएगा है, तले हूँ नहीं हो जाएंगे। खाने नहीं गए लो मना रोशनी ये तो ये तुम्हारा रोला कर रोज भी खाने पहुँचे। हाँ, वो तो ये जाके ले जो संडे स्कूल संडे ना कहीं से ये तो एक लेता है। आज हर मन भी रखा है घरे बाप हाँ बाप नानी हाँ नानी हाँ नहीं रखे नानी हाँ वो तो हूँ बेटी जा। आज हम लोग का कटनी पर्व है तो हम लोग रोटी बना रहे हैं और यहाँ पे बन रहा है सब्जी, चना आलू सब्जी। हम लोग का तो रोज संडे तो स्पेशल बन ही जा रहा है जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम भी देखे थे, उस टाइम भी रोटी बना पका रहे थे घर में, इस बार भी रोटी पका रहे हैं। आज तो लेकिन कटनी पर्व है उसके लिए बना रहे थे, उस दिन तो दीदी लोग आए थे इसलिए। और अभी तो हम लोग का रोटी सीजन तो शुरू हो गया है ना। और मेरे को बुला रहे हैं और मैं काम करने के बाद और आप लोग को अपडेट कर देती हूँ। पर्व का रोटी सबको बांटने के लिए यहाँ पे निकाला जा रहा है।
खाना पीना होने के बाद मैं होलसेलर से ले गई थी और फिर अभी रिटर्न आ रही हूँ। तो अभी ड्रेस चेंज करने के बाद मैं जा रही हूँ खेत तरफ। चलिए देखते हैं कितना कितना बड़ा खेत है और हम लोग कैसे खेती किए थे वो दिखाएंगे आपको। ये नज़दीक में ही थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। इधर से जाते हैं हम लोग का खेत, आपको लेके चलते हैं। धान को निकाले हैं पुआल से और क्या बोलते हैं नहीं पता मेरे को। फिर इधर से जाते हैं। यहाँ पे दाल लगाए हैं। यहाँ पे आम पेड़ है, नीम पेड़ है। यहाँ बस दिख रहा है जंगल जैसा, पर पेड़ के उस पार जाएंगे तो पता चलेगा उधर जंगल है ही नहीं, बस खेत है। इधर भी देख सकते हैं खेत। यहाँ पे जब पानी भर गया रहता है ना तो उधर से पानी ऐसे आता है, अच्छा लगता है देखने के लिए। अरे कांटा झुक गया। ये वाला भी हम लोग का खेत है, ये वो और उधर है। इसको तो पहले से ही काट दिए थे। ये वाला भी हम लोग का खेत है और उधर वो वाला, फिर वो वाला भी है और ये वाला भी है। यहाँ का तो काटे हैं, इधर का नहीं काटा हुआ है। उधर काम कर सब कोई। तो चलिए, और ये देखिए यहाँ पे हम लोग मछली जाल लगाते हैं। यहाँ पे बावा बना है, उधर से पानी इधर आएगा, वो ना पाइप लगाए हैं नाला। और यहाँ पे यहाँ को नेट को ऐसे लगा देते हैं और यहाँ मछली पकड़ते हैं यहाँ पे। और ये हम पहुँच आउच गिरने वाली थी, बच गई, पहुँच गए। मैं नहीं देख रहा है, कहाँ देखा तो वहाँ कर सिराली साले गिया के रो दो ही जन बहुईया तीन जन तोरा बाहा बहुत तरह के थाई गेल है सन पड़ी तोरा बाहा वो ठीक है। इस सब को ढो के वहाँ पे रखना है एक जगह।
उधर तो नहीं था ना, तो मैं सोच रही थी ढोके खत्म कर दिया शायद। चलो फिर अभी काम पे लग जाओ। धान बहुत है, हम लोग धान बहता है। सब धान उतरू है, बोह रही है, ढो रही है धान। देखो इधर देखो, मक्के तोरे धरुआ सरे मक्के ढांग अच्छे का यहाँ तोर ले भर और हुआ ले रस मिल बांध कने गेले गुड्डु है रासी ई भाई रहे उठने तो तराब बोई है। लिसन किरे गुड्डु है रासी आखरी लास्ट हमर तनु बड़ बड़ छि तो नहीं नु हेतकी है नु हेतकी हां हेतकी बड़ से चौड़ा के कम छि। ये हमने स्टोर कर लिया। आपको और एक चीज दिखाऊंगी, एक चीज दिखाना है आपको। ये देखिए, यहाँ पे ना हाथी क्रॉस किया था। हम लोग की तरफ हाथी आता है। ये पता चल पा रहा है या नहीं? अभी भी इसी आसपास ही घूम रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ पे हैं वो तो ठीक से नहीं पता। देखिए हाथी का पांच, और उधर मेन रोड है जो दिखाई तो नहीं देता इतना दूर से। हम लोग का घर उस तरफ है। मैं फुल हैंड वाला पहनने वाली थी पर मेरे को नहीं मिला। अभी तो इतना सारा कट्स हो गया है ना, अभी पानी डालने से तो पूरा खुजली लगेगा, अभी से लग रहा है खुजली। और मेरा उंगली में कट हो गया धान की वजह से, कट गया। बाप रे यहाँ तो बहुत बड़ा सा है। मोरोले रुका, दूसरा तरफ से जाएंगे घर। आने का टाइम उधर से आई, जाने का टाइम इधर से। मैं तो थक गई रे बाप, थकी वाला काले के ना यहाँ पे घास हो गया थोड़ा। क्या साल साफ किए थे बाबा, इस पर तो नहीं कर पाए। आराम कर, ये घूम फिर के घर आ गया। ये नानी लोगों का बार है। इधर बंद कर दिए हैं क्योंकि बकरी सब घुस रहा था। खोजो छेतलाइन तो अंदर ही नोड़ी आती है लोग।
बहुत अच्छे से खुजली लग रहा है। खुजली है भाई, खुजली है। और मम्मी बोली चाय बनाने का। खेसावा भाई,